हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप मेरे चैनल अनुप्रीता मिश्राज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे स्टडी मटेरियल ऑब्जर्व कर रहे हैं और आज मैं आप लोगों को बेसिक टर्मिनोलॉजी जो सर्किट्स की होती है उससे आपको अवेयर करवा रही हूँ। अब आप सोच सकते हैं कि डीसी सर्किट्स के इतने सारे वीडियोज़ हो गए, उसके बाद सर्किट्स के बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात क्यों हो रही है, तो वो इसलिए कि अब मुझे सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स, ये सारी थ्योरम्स के बारे में बात करनी, तो उन थ्योरम्स के स्टेटमेंट में कुछ टिपिकल वर्ड्स आएंगे जिनको मुझे पहले से समझा देना बहुत ज़रूरी है, और साथ में कुछ टर्मिनोलॉजीज़, नोड, जंक्शन, मेश, लूप, ये सारी चीज़ें हम पहले ही लूप एनालिसिस, मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, केवीएल, केसीएल के दौरान हम देख चुके हैं। पर फिर भी मैं टिपिकली, हाँ ये भी बता दूँ कि एग्ज़ाम्स में इनको लेकर, डेफिनेशंस को लेकर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं कि आप डेफिनेशंस दीजिए नोड जंक्शन की और लूप मेश की, लीनियर बायलैटरल की, या फिर लंप पैरामीटर्स या डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा देती हूँ। आप किसी भी बुकिश लैंग्वेज में उसको, मतलब अपने वर्ड्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, और हर बुक में इसकी डेफिनेशंस दी हुई है, पर मैं आपको समझा देती हूँ आज के वीडियो में। नोड का मतलब क्या होता है? कोई भी दो कंपोनेंट्स, चाहे दो रेजिस्टेंसेस हो या दो इंडक्टर हो या दो कैपेसिटर हो, किन्हीं के बीच में भी जब हम जोड़ बनाते हैं, मतलब दोनों को कनेक्ट करते हैं, तो ये कनेक्ट पॉइंट जो होता है वो नोड कहलाता है। और जंक्शन जो होता है, वहाँ पर ब्रांचेस ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ ब्रांचेस जो होती हैं वो ज़्यादा होती, मतलब दो से, मतलब यहाँ पे ब्रांचिंग दिखनी चाहिए जंक्शन पर, 1, 2, 3 ब्रांचेस है तो ब्रांचिंग दिखनी चाहिए। तो ये जंक्शन है, ये नोड है, पर नॉर्मली हम नोड और जंक्शन सेम पॉइंट को ही बोल देते हैं, वो मतलब जनरल लैंग्वेज में हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐसे ही यूज़ करते हैं। मेश और लूप क्या होता है? किसी भी सर्किट को देखने पर जो जाल दिख रहा है, मैं उसको मेश बोलती हूँ, पर बुकिश लैंग्वेज में जो डेफिनेशन देकर रखी, मेश का मतलब ऐसा क्लोज्ड पाथ जिसके अंदर और कोई पाथ नहीं निहित होता है, सिर्फ और सिर्फ वो अपने आप में एक क्लोज पाथ है जिसके अंदर और कोई ब्रांच नहीं दिख रही है। और लूप मतलब एक्सटर्नल, जिसके अंदर हमें कई मेशेज मिल सकते हैं या इंटरनली कई लूप्स मिल सकते हैं। तो हर लूप मेश नहीं होता है, पर हर मेश लूप हो सकता है, आप ये समझिए। ऐसे ही हर जंक्शन नोड होता है, पर हर नोड जंक्शन नहीं हो सकता, आप इस तरीके से भी इसे समझ सकते हैं। फिर अगर मैं लीनियर नेटवर्क्स की बात करूं कि लीनियर नेटवर्क या लीनियर पैरामीटर्स, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो आर, एल और सी, ये तीनों लीनियर कंपोनेंट्स होते हैं। लीनियरिटी का क्या मतलब है? जब इनके अक्रॉस अगर एक रेजिस्टेंस है और उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज बढ़ाती चली जाती हूँ, मतलब इस वोल्टेज को मैं बैटरी की मदद से बढ़ाती चली जाऊँ, तो इस रेजिस्टेंस में से बहने वाला करंट भी बढ़ता चला जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो एक्चुअली आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर का जो ये रेशो है, उस हिसाब से आई जो है वोल्टेज के बढ़ने पर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये लीनियरिटी कहलाती, मतलब ये रिलेशन लीनियर है, मतलब जब लीनियर का मतलब हमेशा स्ट्रेट लाइन मत समझी कि वोल्टेज और करंट के बीच में स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये कि करंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर वोल्टेज बढ़ा देते, इसको लीनियर रिलेशन समझिए। जैसे अगर एक कंपोनेंट के अक्रॉस, एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर मैंने साइनोसाइडल वोल्टेज दिया, तो करंट भी उसके अक्रॉस साइनोसाइडल पैटर्न का ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि वोल्टेज साइनोसाइडल पैटर्न का, करंट का पैटर्न कुछ और है, ऐसा नहीं है। दोनों का पैटर्न कैसा मिलेगा हमें? सेम मिलेगा, दोनों साइनोसाइडल मिलेंगे, चाहे वो रेजिस्टेंस में से के अक्रॉस अप्लाइड साइनोसाइडल वोल्टेज हो, या इंडक्टर के अक्रॉस का साइनोसाइडल वोल्टेज हो, या फिर कैपेसिटर के अक्रॉस का साइनोसाइडल वोल्टेज हो, तीनों आरएलसी के अक्रॉस हमें जो मिलेगा वो साइनोसाइडल करंट ही मिलेगा। हाँ, फेज डिफरेंस कुछ आएगा, जो मैं अभी एसी सर्किट्स के साथ आपको फेज डिफरेंस की भी बात करूँ, पर मेरा कहने का मतलब है कि वोल्टेज बढ़ाने पे आर, एल और सी में करंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वोल्टेज का जो पैटर्न होगा वो करंट का पैटर्न होगा, इसको मैं लीनियरिटी बोल रही हूँ, और होती भी लीनियरिटी यही है। अब बायलैटरल का क्या मतलब है? बायलैटरल का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, अगर वोल्टेज की पोलैरिटी प्लस माइनस ऐसी दी तो करंट ऐसा बहेगा, वोल्टेज की पोलैरिटी प्लस माइनस ऐसी दी तो करंट उधर से ऐसे बहेगा। मतलब ये कि करंट दोनों तरफ से बह सकता है, रेजिस्टेंस में भी दोनों तरफ से बह सकता है,
इंडक्टर में भी दोनों तरफ से बह सकता है, कैपेसिटर में भी दोनों तरफ से बह सकता है, डिपेंड्स कि आपने कौन से साइड टर्मिनल को आपने प्लस पोलैरिटी दी और कौन से को नेगेटिव पोलैरिटी दी। तो ये बायलैटरल है, मतलब दोनों तरफ से करंट बहाने के लिए ये एलिजिबल है, ये दोनों तरफ से करंट बहा सकता है। पोलैरिटी वोल्टेज की चेंज कर दो तो दोनों तरफ से करंट बह जाएगा, तो इसको हम कहते हैं बायलैटरल बिहेवियर। तो आर एल और सी जो है बायलैटरल है। पर अब आप कोई पूछे कि नॉन बायलैटरल क्या होगा, तो नॉन बायलैटरल जो होते हैं वो डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, बीजेटीज, यूजेटीज, जो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, ये सारे नॉन बायलैटरल है। मतलब यहाँ पर मुझे प्लस इधर ही देना पड़ेगा डायोड में और माइनस इधर ही देना पड़ेगा, तभी करंट बह पाएगा और ये ऑन कंडीशन में आएगा। पर अगर ये वाले टर्मिनल को मैंने प्लस दे दिया और इस वाले को माइनस दे दिया तो करंट नहीं बहेगा, ये ऑफ कंडीशन है डायोड की। हाँ, इस पर्टिकुलर रीजन से हम इसको अलग तरीके से इनके एप्लीकेशन से डायोड्स के, ट्रांजिस्टर्स के, ऑल दैट, पर ये बायलैटरल नहीं है, ये नॉन बायलैटरल एलिमेंट्स है। अब अगर मैं लम्ड एलिमेंट्स की या लम्ड पैरामीटर्स की बात करूँ तो वो ये है कि एक लैबोरेटरी में आप लोगों ने रियोस्टेट देखा होगा या आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा तो आपने छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस यूज़ किए होंगे जिसमें दोनों तरफ तार निकले रहते हैं, कैपेसिटर्स, कंडेंसर्स यूज़ किए होंगे, कॉइल यूज़ की होगी। तो वो पूरा आप, अगर आपको बोल दिया जाए कि ये रेजिस्टेंस 10 किलो ओम्स का है, तो आप पूरा वो 10 किलो ओम सर्किट में जहाँ भी देंगे, अगर एक सर्किट में मैं ये 10 किलो ओम्स बोल दे रही हूँ कि R1 की वैल्यू 10 किलो ओम्स है, तो इसका मतलब सर्किट में मैं इन दो टर्मिनल्स के बीच में ही 10 किलो ओम्स दे रही हूँ। पर इसकी जगह अगर मेरे पास एक एल्यूमिनियम का वायर है 10 मीटर का, तो 10 मीटर का जो वायर होगा उस एल्यूमिनियम की खुद की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। अगर उस एल्यूमिनियम वायर के अक्रॉस मैं कोई वोल्टेज अप्लाई कर दूँ तो उस वोल्टेज की वजह से जो भी उस एल्यूमिनियम वायर से करंट बहने लगेगा, तो फिर मैं कैसे मेजर करूं एल्यूमिनियम वायर का रेजिस्टेंस? तो एल्यूमिनियम वायर के अक्रॉस जो भी मैंने वोल्टेज देकर रखा है और जो भी करंट मैं मेजर आउट कर लेती हूं एमीटर लगा के सर्किट में, तो वो वोल्टेज अपॉन करंट मुझे इस एल्यूमिनियम वायर का रेजिस्टेंस बता देगा कि इस एल्यूमिनियम वायर का रेजिस्टेंस कितना। पर ये रेजिस्टेंस एक जगह इकट्ठा नहीं है, ये पूरा 10 मीटर के वायर में ये रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूटेड है। किस पर निर्भर कर रहा है उसकी, तो इस 10 मीटर के वायर का जो टोटल रेजिस्टेंस है आर, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? इस एल्यूमिनियम वायर, मतलब इसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी पर डिपेंड कर रहा है, और वो रेजिस्टेंस पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है 10 मीटर के वायर में, एक जगह इकट्ठा नहीं है। सेम एग्जाम्पल मैं आपको ट्रांसमिशन लाइन का दे सकती हूँ। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इतना समझ लेना सफिशिएंट है कि ये कॉपर वायर 10 किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन में जो भी कॉपर यूज़ हुआ है, 10 किलोमीटर के कॉपर वायर की वजह से जो भी रेजिस्टेंस है इस मटेरियल का, वो पूरे 10 किलोमीटर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक जगह इकट्ठा नहीं है। ऐसा ही इस 10 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन में जो कि कॉपर से बनी हुई है, इसका अपना इंडक्टेंस होता है, तो ये इंडक्टेंस भी पूरे 10 किलोमीटर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक जगह पे इकट्ठा नहीं है। और इस 10 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन का अपना खुद का कैपेसिटेंस भी होता है, पर ये कैपेसिटेंस भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक जगह इकट्ठा नहीं है। पर हाँ, लैबोरेटरी में जो कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं किसी सर्किट को बनाने के लिए, या घर में भी अगर आप कोई मॉडल बना रहे हो और आप उसमें इंडक्टर कॉइल यूज़ कर रहे हैं, कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं, कंडेंसर यूज़ कर रहे हैं, रेजिस्टेंस, वो सब आप जब भी वो कॉम्पोनेंट उस सर्किट में किसी एक जगह पर लगाते हैं तो वो लम्ड कंपोनेंट है, मतलब उसका इम्पैक्ट उतने ओम्स का, उतने हेनरी का या उतने फेराड्स का सिर्फ उतनी पर्टिकुलर लोकेशन पर ही अप्लाई हो रहे हैं। पर यहाँ पर अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस की बात करूँ तो ये पूरे 10 किलोमीटर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे जब मैं आर, एल और सी डिफाइन करूँगी तो यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर डिफाइन करूँगी ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड, और मैं लैबोरेटरी में अगर रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर यूज़ कर रही हूँ तो वो मेरे लिए लम्ब्ड पैरामीटर्स होंगे। तो इस तरीके से बेटा ये मेरी पूरी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ है जो आपको आनी चाहिए। तो किसी भी सर्किट में, चाहे वो डीसी सर्किट हो, एसी सर्किट हो,
या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो तो आपको ये टर्म्स पता होनी चाहिए। ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड, ये इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर से पढ़ना शुरू कर देते हैं पावर सिस्टम में, तो वो समझने लगते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स क्या होते हैं। पर बेसिक इलेक्ट्रिकल या फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चों को सिर्फ इतना समझना काफ़ी है कि ट्रांसमिशन लाइन में जो भी रेजिस्टेंस इंडक्टर कैपेसिटर एपियर होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप का होगा, एक जगह लम्प्ड टाइप का इकट्ठा वाला कॉम्पोनेंट नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये मेरा पूरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो के कंटेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मुझे लिखकर डिटेल दे सकते हैं कि आपको क्या नहीं समझ में आया, या कोई नया टॉपिक भी पढ़ना है तो मैं सैटरडे संडे में नए टॉपिक्स को कवर कर लूँगी। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्यूज़ बढ़वाने में मेरी हेल्प करिए और मुझे टीचिंग का जो एक सेटिस्फैक्शन गेन करना है वो मुझे इस YouTube चैनल के थ्रू भी हो पाए। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। थैंक यू।